हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ सिविक्स में हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ चुके थे। उसमें से हम लोग जाने थे कि किस तरह से लोकतंत्र को पूरे विश्व में जो है कि अपनाया गया, और पहले जो है आपका राजाशाही शासन, सैनिक शासन प्रणाली जो है कि काफ़ी प्रचलित थी। यानी पूरे विश्व में जो है राजतंत्र या सैनिक जो है कि तंत्र या निरंकुश शासक जैसे जो है कि शासन प्रणाली स्थापित थी। बाद में जनता ने अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई करने के लिए और अपने जो है कि क्या कहते हैं समाज में समानता, समाज में समानता, उसके बाद जो है कि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से जो है कि हर क्षेत्र में अपने आप को जो है अधिकार पाने के लिए, अपना जो है कि समानता पाने के लिए उन्होंने कई आंदोलन खड़ा किया, कई बार जो है कि आवाज़ उठाए राजाशाही शासन के विरोध में, जो है कि उसके पुतला फूके, कई बार जो है कि हड़ताल किए, कई बार जो है कि तालाबंदी किए। इस तरह से उन लोगों का काफ़ी संघर्ष के बाद राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र जो है कि कायम हुआ। तो विश्व के अन्य देशों के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, किस तरह से अमेरिका के अंदर में मजदूर किसान अपना आंदोलन करके वहाँ पर लोकतंत्र को कायम करने में मदद किया, संघर्ष किया। उसी तरह से फ्रांस के भी बारे में पढ़े, और अपने भारत लोकतंत्र जो है कि अपने हिंदुस्तान के अंदर में भी पढ़े कि किस तरह से एक लिच्छवी लोकतंत्र की मिसाल को जो है कि पूरे विश्व, पूरे भारत के अंदर में उसे पिरोने का, उसे जो है कि लागू करने का काम किया गया। उस तरह से अपने पड़ोसी देश नेपाल के भी बारे में पढ़े कि 2006 से पहले वहाँ पर राजाशाही शासन था। राजा की बेटी, राजा के भाई ही, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अशिक्षित हो, अयोग्य हो, वो सत्ता उसी के हाथों में जो है कि चली जाती थी, और वो अपने मनमाने ढंग से काम करते थे, अपने फायदे के लिए काम करते थे, अपने परिवार के फायदे के लिए काम करते थे। जनता के प्रति किसी भी तरह का कोई सच्ची सोच लगाव नहीं था। जनता मारे जाते थे, जनता जो है कि क्या कहते हैं भूखे मर जाते थे, जनता आत्महत्या जो है कि कर लेती थी, लेकिन उस पर जो है कि कोई उसका विचार कोई नहीं था, कोई सोच नहीं था, उधर वो देखता भी नहीं था। तो ऐसे में से जब वहाँ सभी तबके के जनता के द्वारा राजतंत्र के विरोध में जब वहाँ पर आंदोलन किया गया, तो फिर अंततः जो है कि 2006 ईस्वी में वहाँ पर लोकतंत्र कायम हुई। उसी तरह से 2008 के अंदर में, 2008 में पाकिस्तान के भी अंदर में सैनिक शासन था, जहाँ के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को जो है कि लागू किया था, राष्ट्रपति जो है कि वहाँ पर सैनिक शासन को जो है कि स्थापित किया, जिसके कारण जो है कि सेम जैसे निरंकुश लोकतंत्र में निरंकुश शासक जो है कि हुआ करते थे, वैसे ही जो है कि वहाँ पर भी जनरल मुशर्रफ जो है कि वहाँ पर क्या किया कि वहाँ पर सैनिक शासन को स्थापित किया। बाद में फिर वहाँ पर भी कई जो है कि रास्ते में कई जो है कि आंदोलन चलाए गए, और अंततः जो है कि फिर सैनिक शासन से दोबारा जो है कि वहाँ पर लोकतंत्र शासन कायम हुआ। हाल में ही आप सुने होंगे कि वर्मा में भी जो है कि वहाँ पर सैनिक शासन को स्थापित किया गया। इस तरह से जो है कि विश्व के, अभी वर्तमान में विश्व के लगभग जो है 75 से लेकर के 80% मुल्कों में, कंट्रीज में क्या है, डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर शासन प्रणाली है, लोकतंत्र शासन प्रणाली है। लोकतंत्र शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जो भी काम किया जाता है वो लोगों के प्रति ही किया जाता है, और लोगों की भलाई के लिए ही किया जाता है, और लोग स्वयं उसमें भाग लेते हैं, खुद से निर्णय लेते हैं, खुद से जो है कि अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, और उस प्रतिनिधि के द्वारा सरकार का निर्माण करवाया जाता है। अगर वो सरकार जनता के प्रति सही काम नहीं करता है,
जनता के जो है जो हक होता है और जो भलाई होता है, अगर वो दिलाने का काम, उसका पूरा करने का काम, जो वादा करके आता है वो वादा करने का जो है कि काम नहीं करता है, पूरा करने का काम नहीं करता है, तो फिर अंततः उसका एक निश्चित समय होता है, 5 साल होता है, 5 साल के बाद फिर जनता अपने वयस्क मताधिकार के द्वारा क्या किया जाता है, उनकी सरकार को वो हटा करके दूसरी जो है कि सरकार को लेके आती है जो उनके प्रति सही सोच लगाव रखने का काम करता है। तो इस तरह से आज जो हम लोग लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं वही डेमोक्रेसी, वही लोकतंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है या लोकतंत्र किसे कहते हैं। कहा जाता है कि जो है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक शासन प्रणाली अगर कोई प्रचलित है तो वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित है, इसलिए कि लोकतंत्र में जनता की भलाई की बात की जाती है, लोकतंत्र के अंदर में समानता की बात की जाती है, लोकतंत्र में जो है एक कानून, एक संविधान होता है जिसके अनुसार सभी को चलना पड़ता है, इसलिए लोकतंत्र में इक्वलिटी यानी समानता को जो है लोकतंत्र का एक रीढ़ कहा गया है। अगर जिस लोकतंत्र में समानता की बात नहीं की जाती है, जिस लोकतंत्र में लोग या जनता संविधान के अनुसार नहीं चलता है, तो फिर वो लोकतंत्र जो है कि लोकतंत्र नहीं कहलाता है, वो क्या होता है, अलोकतंत्र हो जाता है। तो लोकतंत्र और अलोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या होता है, आपका जनता स्वयं भाग लेती है और जनता के द्वारा ही जो है कि शासक को चुना जाता है और वही शासक शासन को संचालित करने का काम करता है। लेकिन अलोकतंत्र में क्या होता है, अलोकतंत्र अगर कहा जाए तो राजाशाही शासन में क्या होता है कि राजाशाही शासन में जनता की भागीदारी नहीं होती है, बल्कि सर्वोच्च कौन होता है, राजा होता है, और राजा की मृत्यु के बाद उन्हीं के बेटे या उनके भाई जो है कि उस शासन प्रणाली को संभालने का काम यानी उत्तराधिकारी का काम करता है। लोकतंत्र में जो है कि अलोकतंत्र में यानी राजाशाही शासन में क्या होता है कि कोई कानून, कोई संविधान नहीं होता है, बल्कि राजा के मुंह से निकली हुई बात जो होती है वही कानून कहलाता है, चाहे उसमें जनता की भलाई का बात हो, चाहे उसकी बुराई का बात हो, चाहे जनता की सेवा करने की बात हो या चाहे कि जनता को दुख पहुंचाने की बात हो, ये निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया जाता है। बाद में वो निर्णय अगर जनता के लिए वो जो है कि कष्टदायी साबित होता है तो फिर भी उसे बदलने का वो कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसका एक ही फैसला होता है कि अपनी पीढ़ी को, अपने जो है कि घर के सदस्यों को सत्ता पर जो है कि बनाए रखना। वहीं पर लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति जो है वो जनता के हाथ में निहित होता है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने कीमती वोट देकर के अपने प्रतिनिधि को चुनता है, यानी MLA MP को चुनता है, और MLA MP MLA जाकर के असेंबली में जो है कि वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को जो है कि चुनता है, तो वहीं पर जो है कि आपका पार्लियामेंट में जो MP चुन करके जाते हैं वो वहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को चुनने का काम करता है। इस तरह से जो है फिर पार्लियामेंट में असेंबली में क्या होता है, यही जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो कानून बनाने का काम करता है, उन्हें उस कानून को लागू करने का काम करता है। किसी भी तरह का कोई निर्णय होता है तो उस असेंबली में बैठ करके वाद विवाद करने के बाद ही जो है कि फिर वो एक तरह का जो है कि कानून बन पाता है, और जो भी कानून पास किया जाता है उस पर डिबेट होता है कि 100% ये जनता के लिए सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि जनता को इस कानून से कष्ट पहुँचे, उस पर काफ़ी विवाद होता है, काफ़ी जो है कि प्रतिक्रियाएं होती है, काफ़ी जो है कि उस पर लोकसभा से राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचने के बाद एक लंबे ड्यूरेशन, एक लंबे टाइम के बाद जो है कि वो एक लॉ बन पाता है। लेकिन आपका लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पर हर एक दिन में, एक घंटे में, एक साल में क्या होता है कि वो कानून बदलते रहता है और जो है कि फिर लागू होते रहता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र की परिभाषा।
तो अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए इस प्रकार से उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यानी ऐसा कहा जाए कि लोकतंत्र में सारा शक्ति जो है कि वो किसके हाथ में रहता है, जनता के हाथ में रहता है। जनता ही शासन को चलाने का काम करता है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या करते हैं, वो कानून बनाने का काम करता है, किसी भी तरह का निर्णय लेने का काम करता है। ये आपका लोकतंत्र का परिभाषा हो गया। अब है कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी टू टाइप के होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हिंदी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, यानी डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष ढंग से यानी दो स्टेप में, डायरेक्ट में एक ही स्टेप में हो जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता स्वयं भाग लेती है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सभी जनता, देखिएगा डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी जनता ऐसा नहीं पार्लियामेंट पहुंच जाता है, बल्कि वो अपने क्षेत्र से एक बुद्धिजीवी, एक जो है कि सही काम करने वाले ईमानदार, जो कि लोगों की भलाई के काम करे, लोगों की सेवा करने का काम करे, जनता जो है कि अपने गुप्त मतदान से उसे चुन करके भेजता है, वही प्रतिनिधि होता है। तो प्रतिनिधि क्या होते हैं लोकतंत्र में, प्रतिनिधि ही जो है कि क्या करते हैं, शासन चलाने का काम करता है। लेकिन आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, लोकतंत्र दोनों हैं, लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता डायरेक्ट जो है कि उसमें भाग लेती है। एक जगह प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी जनता एक जगह एक स्थान पर बैठ करके किसी भी तरह का कोई निर्णय लेता है, और निर्णय लेने के बाद उसे कानून के रूप देता है। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम प्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर प्रतिनिधि जो है कि आपस में बैठकर किसी भी तरह का कोई कानून बनाने का काम करता है। दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि वो एक बड़ी कंट्री, एक बड़े क्षेत्र पर लागू करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि उस क्षेत्र के सभी, जैसे कि भारत जैसा देश ले लीजिए, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश, ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि हर एक जनता आपस में बैठ करके एक जगह इकट्ठा होकर के किसी तरह का कोई निर्णय ले। इसलिए यहाँ के संविधान ने एक निर्णय लिया, फैसला लिया कि नहीं, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक साथ इकट्ठा होंगे और फिर कानून बनाने का काम करेगा। तो क्या होता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक छोटे क्षेत्रफल पर वो हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो बड़े क्षेत्रफल पर होता है, छोटे क्षेत्रफल मुमकिन नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के वर्तमान दौर में स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी विश्व के जो है कि अधिकतर कंट्रीज में आपका डेमोक्रेसी यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अपने भारत में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर वो सरकार बनाने का काम करता है। तो ये आपका लोकतंत्र का परिभाषा, लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र का प्रकार के बारे में जो है कि हम लोग जाने। प्रश्न है कि लोकतंत्र की एक लोकप्रिय परिभाषा क्या है, तो ये क्वेश्चन का आंसर में हम लोग लिखेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन लोकतंत्र का परिभाषा देते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है अर्थात दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है। सर्वोच्च शक्ति, निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति जनता के पास रहती है,
वह अपने वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधियों का चयन करती है और वही प्रतिनिधि द्वारा शासन संचालित होता है। ये उसका यानी लोकतंत्र का परिभाषा हुआ और उसका अर्थ हुआ। दूसरा प्रश्न है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच अंतर स्पष्ट करें या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। इस क्वेश्चन का आंसर में लिखेंगे, एक तरफ सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद लिखेंगे कि पूरे विश्व में दो प्रकार के लोकतंत्र प्रचलित हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और उन दोनों के बीच निम्नलिखित प्रकार का अंतर है। एक साइड में लिखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरे साइड में लिखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साइड में पहला नंबर लिखेंगे, इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। दूसरे साइड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लिखेंगे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के साइड में लिखेंगे कि इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है। फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साइड में सेकेंड नंबर लिखेंगे, लिखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं एक स्थान पर इकट्ठा होकर शासन संबंधित नीति योजना तथा कानून बनाने का कार्य करती है। और दूसरे साइड में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के सेकेंड नंबर में लिखेंगे, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि ही प्रशासनिक निर्णय करता है, कानून बनाता है तथा सरकारों पर नियंत्रण रखने का काम करता है। फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साइड में थर्ड नंबर में लिखेंगे कि वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, स्विट्जरलैंड के कुछ ही क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलती है, और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के साइड में थर्ड नंबर में लिखेंगे कि विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, जैसे भारत, अमेरिका, इंग्लैंड इत्यादि।